मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोल की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में महाराज जी ने पहले ये कौन सा काम पहले किया, ये कैसे किया, तो होता ना जिंदगी में कोई जब पहली बार कोई काम करता है तो वो यादगार हो जाता है। बहुत विग्रह महाराज जी ने स्थापित किए महाराज जी हनुमान जी के, तो उन विग्रह में प्रश्न ये उठता है कि पहला विग्रह कहां स्थापित किया, आपको बता दें, है ना। तो पहला विग्रह जो हनुमान जी का स्थापित किया है, मैं आपको उसका चित्र भी दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि ये बवानिया गुजरात में स्थापित किया। आपको पता है कि महाराज जी 1900 में जन्म हुआ, 1911 में विवाह हुआ, 13 में आप आध्यात्मिक यात्रा पर निकल गए, और जब वो वहां किसी आश्रम में, आज तक पता नहीं है, अगर पता मिल जाए तो हमको भी बताइएगा, गुजरात में किसी आश्रम में आपने अपनी सेवाएं दी, वहां पर महंत ने आपको लक्ष्मी नारायण शर्मा से जब आध्यात्मिक नाम रखा तो बाबा लक्ष्मणदास रखा आपका नाम। उन महंत ने आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपको महंत बनाने का दे दिया कि मेरे उत्तराधिकारी के रूप में ये यहां पर कार्यरत होंगे, और वहां पर कुछ जो पहले से उनके शिष्य थे नाराज हुए, विवाद जैसी स्थिति महाराज जी के संज्ञान में आई तो उन्होंने उस स्थान को त्याग दिया और वो वहां से चले आए। और वो चले आए कहां, बवानिया गांव में, या तालाब में खड़े होकर आपने तपस्या की। आपको तालाब का दिखा दीजिए, यही तालाब है जिसमें खड़े होकर आपने तपस्या की। आपको वृक्ष भी वहां दिखाई पड़ रहे हैं, महाराज जी के समय की ये वृक्ष हैं, और वही ये जो चबूतरा सा है इसी पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की। पहला विग्रह है ये, अधिकृत रूप से जानकारी है ये। तो खुले में आपने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दिया, तालाब में खड़े होकर आराधना कर रहे हैं, और वहीं पर आपको नाम मिला था तलैया बाबा। तो ये मूर्ति अब कैसी स्थिति में है, मैं उससे पहले का थोड़ा सा इतिहास बता दूं आपको कि ये बवानिया गांव जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र की जन्मस्थली भी है, इनका भी स्मारक वहां बना हुआ है। और जब महाराज जी वहां 1917 में चले आए, हनुमान जी तो वहीं रहे, और हनुमान जी के फिर वहां पर एक मंदिर बना दिया गया, ये मंदिर की फोटो आप देख रहे हैं। और इस समय वहां पर भव्य मंदिर बनाने की तैयारी चल रही है, वहां के भक्तों ने वहां भव्य मंदिर बनाने का निर्णय ले लिया गया है, क्योंकि जो मंदिर बना है ना वो 100 वर्ष से भी पूर्व, महाराज जी 100 वर्ष से पूर्व ये स्थापना की थी, क्योंकि आप 1913 से रहे थे वहां पर। देखिए आपने महाराज जी के प्रथम हनुमान स्थापित हनुमान जी के दर्शन भी किए, और अब वहां भव्य मंदिर बन रहा है। आप भी जब कभी आपको लगे या समय मिले, परिस्थितियां अनुकूल हो, तो महाराज जी द्वारा स्थापित प्रथम हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। चल पड़े, जय बाबा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो